देवघर में अब लोगों को ताजी सब्जी के लिए परेशानी नहीं होगी। फिलहाल बाजार जाना होता है लोगों को, सब्जी खरीदनी होती है और कई बार फ्रेश सब्जी नहीं मिलती है तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन अब सरकार की पहल से हर मोहल्ले में ताजी सब्जी की मंडी खोली जाएगी। बाबा नगरी देवघर में सब्जी खरीदने के लिए एक ही मंडी है जो मीना बाजार में लगती है, जहां सभी लोगों का जाना संभव नहीं होता है। इसके कारण स्थानीय किसान सड़कों पर ही जगह जगह सब्जी का बाजार लगा लेते हैं, जिससे लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ता है और सब्जी खरीदने में परेशानी होती है वो अलग। ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो सब्जियां बेकार हो जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार की पहल पर नगर निगम ने अब देवघर के कई क्षेत्रों में बाजार लगाने का फैसला किया है। बाजार की रूपरेखा क्या होगी, इसके लिए स्थानीय किसान और मीना बाजार के व्यापारियों को जिम्मा सौंपा गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ताजी सब्जियां मोहल्ले में ही बिकने लगेंगी। सब सामान फेंक जाता है, सब खराब हो जाता है और क्या। हम लोगों को कहीं व्यवस्था अगर अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। मीना बाजार देवघर का सबसे पुराना बाजार है, जहां वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही फुटपाथ दुकानदारों को बेहतर सुविधा देने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद नगर निगम देवघर में 4 जगहों पर छोटा बाजार बनाने जा रहा है, जहां सब्जी किसानों को एक अस्थायी दुकान मिलेगी। हम लोगों ने वेंडिंग जोन बनाना शुरू कर दिया है। 5 जगह हम लोगों ने जितने भी बनिए हैं इन लोगों को हम लोग वेंडिंग जोन, जैसे एक को बहुत जल्द भुरभुरा मोड़ पे स्टार्ट हो जाएगा, बाकी और जिला प्रशासन ने 4 जगह जमीन हमको दी है, तो वहाँ करीब हम लोगों ने जितने भी हैं ये कमोचे वाले जितने होते हैं या ठेला वाले हैं, 1203 लोगों का हम लोगों ने चुनाव किया है। सबके लिए अलग अलग हम लोग सेट बना करके उसको प्रोवाइड करेंगे, और जिसमें कि सारी सुविधाएँ रहेंगी, वहाँ बीच में सड़क रहेगा, शौचालय होगा, पानी की व्यवस्थाएँ होंगी। तो चूँकि उस दिशा में और बड़े खर्च से सरकार कर रही है तो लगता है कि उससे भी काम चले, या नहीं तो फिर भी सब्जी मंडी को हम लोग चाहते हैं कि डेकोरेट करें, उनका बेसिक नीड है, जान करके हम आगे बढ़े। देवघर नगर निगम क्षेत्र में अवैध तरीके से छोटी बड़ी 50 से ज्यादा सब्जी मंडी लगती है, लेकिन अस्थायी दुकान बनने से हर मोहल्ले में एक सब्जी मंडी होगी और किसानों को भी धूप और बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।